फ्रेंड, मैं स्मिता मिश्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। फ्रेंड, जैसा आपको मालूम है ईसी नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है 13 नवंबर को, तो उसके लिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रही हूं। अब तक हमारे 4 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड हो चुके हैं, ये 5वां है। तो अब तक आपने वह नहीं लगा है तो वो भी लगा लीजिए। 100 क्वेश्चन होते हैं एवरी प्रैक्टिस सेट में। आज जो मैं अभी सॉल्व कराने जा रही हूँ इसमें भी 100 क्वेश्चन हैं। आप लोग कितना इसमें स्कोर किया है ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है कि अगर आप 75 कर लेते हैं तो आपने अच्छी तैयारी की है और चांस है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। साथ ही मैं नेक्स्ट जो क्लास बनाऊंगी उसमें मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगी कि अब तक जो एग्ज़ाम्स में कैसी कट ऑफ गई है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं अभी जो भी दिन बचे हुए हैं तैयारी के लिए। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन हमने लिया है वह स्थापना और तर्क का है, और आपको देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन पेपर ऐसा ही पूछा जाता है। बताइएगा, भले मैं आपको फिर से एक बार 2019 का पेपर सॉल्व करा दूंगी यहाँ पे 100 क्वेश्चन का, ठीक है, बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है स्थापना और तर्क का, तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीति काल में विलासिता के कारण नारी को संपत्ति माना जाने लगा था, और तर्क क्या कहा गया है, क्योंकि विलास के उपकरणों का संग्रह करना एवं सुरा सुंदरी में लीन रहना शासकों का एकमात्र लक्ष्य था। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिए गए हैं आप देख सकते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा वी ऑप्शन, ए और आर दोनों ही सही। ओके, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है इनमें से रीति मुक्त कवि नहीं है, तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं या फिर पूरा काउंट करके 100 क्वेश्चन में आपने कितने राइट किए हैं बता सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम दूसरा प्रैक्टिस सेट ला सकें आपके लिए। ओके, तो रीति मुक्त कवि नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, रीति मुक्त में कौन कौन आते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा देव। ओके, नेक्स्ट जो है क्रमागत क्वेश्चन है, सही क्रम पूछा गया है कौन सा सही है, तो प्रश्न नंबर 3 है जो है इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिहारी, भूषण, जसवंत सिंह और घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है वियोग बेल कृपाकंद इश्कुलता के रचनाकार हैं, एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे कि रचनाकार का नाम दे दिया और ये रचनाएं दे दी, इनमें से पूछा गया कि कौन सी है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ये सभी रचनाएं जो है किसकी हैं, ये हैं घनानंद की। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है इनमें से कौन आचार्यों की 3 कोट में नहीं आता है, रीतिकाल में जो आचार्यों को बांटा गया है उनमें से कौन सी जो है पद्धति नहीं आती है, 3 भागों में बांटा गया है, तो उद्भावक भी होते हैं और उद्बोधक भी होते हैं, डी कवि शिक्षक भी होते हैं, प्रश्न नंबर 5 का व्याख्याता, तो इसमें कौन सा जो है राइट आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा गया है कि नहीं आता है, तो उद्बोधक जो है नहीं आता है, ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का वही ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी 3 पद्धतियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है फिर आपका स्थापना तर्क का है, कहा गया है कि रीतिकाल में आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण प्राय बहुत कम हुआ है, और तर्क है जबकि आलंकारिक रूप में तथा उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है, तो यहाँ पे तर्क स्थापना और तर्क दिया गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही यह सही हैं। आपने स्थापना और तर्क के देखिएगा कितने क्वेश्चन हैं और आपने कितने राइट किए हैं, अगर आपसे नहीं राइट हो रहे हैं तो आपको मैंने पहले ही ये क्लास दी है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप इनको राइट करने लगेंगे, ठीक है। अभी भी आपके पास समय है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं स्थापना और तर्क के क्वेश्चन में भी। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी, शुक्ल का कथन किसके लिए है, तो आपसे सिर्फ यही भी पूछा जा सकता है, कथन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किसका है, तो ये शुक्ल जी का है और ये बिहारी जी के लिए कहा है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है ब्रजभाषा का स्वर्ण युग, ब्रजभाषा को स्वर्ण युग कहा जाता है, सॉरी, ब्रजभाषा का स्वर्णयुग कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो वह कहा जाता है रीतिकाल को।
नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है फिर क्रमागत क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा क्रम सही है, प्रश्न नंबर 9। तो यहाँ पे केशवदास, मतिराम, फिर देव, फिर पद्माकर आएंगे, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है, तो प्रश्न नंबर 10 जसवंत सिंह। और जो लोग आंसर देते हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि आप अच्छा करते हैं, लोग जो लोग नहीं देते हैं आंसर तो वो अपना समय बचाते हैं, अच्छा है, लेकिन आपको मालूम होगा कि अगर आप लिखते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर होता है और मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि आप लोग आंसर दे रहे हैं, है ना। जो कार्य मैं कर रही हूँ आप देखिएगा, इस समय मुझे लगता है कोई नहीं आपको यूट्यूब पे ये क्लासेस देता होगा, क्योंकि ये हमारे व्हाट्सएप पैड ग्रुप में मैंने जो क्लासेस दी थी, जो प्रैक्टिस सेट दिए थे, उनमें से कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, शुक्ल ने मान मध्य पुकार का कवि किसे कहा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वी, घनानंद। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि झूठ की सच्चाई छाक्यो, त्यो हित कच्चाई पाक्यो, पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो प्रश्न नंबर 12 जो है इसका आंसर हो जाएगा वी, घनानंद। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में पर फारसी के छंद में है, शुक्ल ने किसके लिए कहा है, प्रश्न नंबर 13, तो ये हैं घनानंद। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है, ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण रिक्त भाव से रहने लगे, कथन किसके लिए है, तो प्रश्न नंबर 14 ए ऑप्शन, घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, चंडी चरित्र के रचयिता हैं कौन है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, ए ऑप्शन गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा रचनाकार मुस्लिम महिला से विवाह कर मुस्लिम हो गया, प्रश्न नंबर 16, इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रेम की पीर इसका दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आलम। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है, केशव ने रूपक के तीन भेद किससे लिए हैं, तो प्रश्न नंबर 18 राइट आंसर हो जाएगा वी, दंडी। नेक्स्ट प्रश्न है, छल नामक संचारी भाव किसने दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, देव। नेक्स्ट प्रश्न है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है, कथन है, प्रश्न नंबर 20 आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, उनकी कविता गंवारों की रचना सी लगती है, शुक्ल का यह कथन किस काल के रचनाकारों के लिए है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे हम रीतिकाल के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रीतिकाल। और आपको मालूम होगा कि हमारे सभी एग्जाम्स में ये कथन जरूर पूछे जाते हैं, तो जो भी मैं कथन यहाँ पे बता रही हूँ सभी ऑथेंटिक बुक से हैं और संभावित है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाए। बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कभी भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बच सके, कथन किसका है, प्रश्न नंबर 22, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं, तो इसके राइट आंसर इसका हो जाएगा केशवदास, केशवदास का जन्म 1555। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषा ही नान मानो किसने कहा था, तो ये पंक्ति जो है कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, भिखारी दास। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, पंक्ति के रचनाकार कौन है, 25, तो यह पंक्ति देव ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल में किस कवि ने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली, तो पहले ही आपको बताया है, घनानंद। नेक्स्ट जो प्रश्न है, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है पंक्ति के रचनाकार कौन है, प्रश्न नंबर 27, तो ये राइट हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से नीतिकार कवि नहीं है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, गिरधर दास। देखिए गिरधर कविराय जो है इन्होंने रचना की है नीतिकार नीति कवियों मतलब रचनाओं की, लेकिन गिरधर दास जो है इन्होंने नहीं की थी।
नेक्स्ट प्रश्न है वृत्त कौमदी का प्रकाशन वर्ष है 29 नंबर, तो इसमें हो जाएगा 1701। नेक्स्ट प्रश्न है पद्माभरण जगत विनोद और राम रसायन के रचनाकार हैं, तो राइट आंसर आप बता सकते हैं इसका पद्माकर है। नेक्स्ट प्रश्न है ये कवि और आचार्य दोनों के रूप में सामने आते हैं, किस रचनाकार के लिए कहा गया है। तो पहले मैं रुकना चाहूँगी एक मिनट और बताना चाहूँगी कि फ्रेंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रही हैं तो मैं आपके समय की बचत कर रही हूँ, है ना, क्योंकि अगर मैं चारों ऑप्शन आपके सामने हैं अगर मैं पढ़ती हूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप लोग खुद पढ़ कर अपना आंसर दे सकते हैं। ओके, तो क्या है प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये कवि और आचार्य दोनों के रूप में सामने आते हैं, किस रचनाकार के लिए कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 31 डी ऑप्शन देव, देव जो है आचार्य और कवि दोनों में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो रिपीट हुआ है कि छल नामक संचारी भाव दिया है, इसका आंसर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वीर सिंह देवचरित के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा केशव दास। नेक्स्ट प्रश्न है राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के मतलब यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, या फिर चरमोत्कर्ष के बाद पतन का युग है, या फिर विस्तार का युग है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चरमोत्कर्ष के बाद पतन का युग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वह है सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, हम कविराज हैं पचाकर चतुर के, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 का डी कवि ठाकुर। नेक्स्ट प्रश्न है भूषण का जन्मकाल है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1613। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका हैरत पाल की गयंद ग्रह ग्राम चारू आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो, ये पंक्ति भी कई बार पूछी गई है आपके एग्जाम में और आगे पूछे जाने की संभावना है, तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा पद्माकर। नेक्स्ट प्रश्न है काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है या किस रचनाकार की रचना है, तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीपति। नेक्स्ट प्रश्न है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकझुक परत जय चितवत इकबार, पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो 39 रसलीन वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कवि कुलकंठाभरण रचना है, तो कवि कुलकंठाभरण डी ऑप्शन दूल्हे कवि। नेक्स्ट प्रश्न है कविराज शिरोमणि की पदवी किस कवि को मिली है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन पद्माकर। नेक्स्ट प्रश्न है कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है, यह कथन किसका है, तो यहाँ पे 42 का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है व्यंग्यार्थ कौमदी के रचनाकार कौन है, तो बी ऑप्शन प्रताप शाही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वे इसमें से यह व्यंग्यार्थ निकालते हैं घड़ों के पानी में अपने नेत्र का प्रतिबिंब देख उसे मछलियों का भ्रम होता है, शुक्ल का कथन किस रचनाकार के लिए है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन प्रताप शाही। और इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा और चाहे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे रिवीजन भी कर सकते हैं। शुक्ल ने मौन मध पुकार का कवि किसे कहा है, 45 राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न है फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने परिमाण में कहीं कहीं रखे हैं कि सुकवि और साहित्यिक शिष्टता को आघात पहुंचता है, कथन है, प्रश्न नंबर 17, तो यहाँ सॉरी 47 जो है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है अद्भुत गति यही प्रेम की वर्णन कहीं न जाए, पंक्ति के रचनाकार हैं 48 नंबर, तो यह हो जाएगा रस निधि। नेक्स्ट प्रश्न है
रीतिकाल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनका रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का सायानुवाद है। शुक्ल ने किस रचनाकार के लिए कहा है? तो 49 राइट आंसर हो जाएगा कुलपति मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है, ये एक अभ्यस्त और निपुण कवि हैं थे। इनकी प्रमुख रचना है वर वधु विनोद। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वी ऑप्शन, कालिदास त्रिवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुहान किस कवि की प्रेमिका थी? तो सुजान तो घनानंद की थी, सुहान जो थी वोधा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिखीन मृणाल के तारा उते नहीं ऊपर पांव दे आवन है, पंक्ति के रचनाकार हैं। तो 52 जो है राइट आंसर हो जाएगा वोधा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरभि दान लीला और कृष्णायन के रचनाकार कौन है? तो 53 जो है मनचित। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतकाल में दोहा चौपाई में रचित रचना है, तो वी ऑप्शन कृष्णायन। नेक्स्ट है, निकट रहे आदर घटे दूर रहे दुख होए, तो यह जो है पंक्ति किसने दी है? यदि है सम्मन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वे नर निर्णय निदान में सराहे जात, सुखन आघात प्याला प्रेम को पिए रहे, पंक्ति के रचनाकार हैं, तो वी ऑप्शन ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी भूषण वृत्तरणी और ककहरी के ककरा के रचनाकार हैं। तो 57 राइट आंसर हो जाएगा आपका राम सहाय दास। और मित्रों, में एक बार आपको यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगी कि बहुत सारे फ्रेंड मैसेज करते हैं कि जो है उनको वीडियो क्लियर नहीं दिखती है। तो वीडियो क्लियर, हम यहाँ से तो इसको क्लियर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन बाई चांस आपके मोबाइल की क्वालिटी जो है चेंज करनी होती है, तो आप मोबाइल की क्वालिटी को कैसे चेंज करेंगे? जैसे आप इस क्लास को देख रहे हैं तो यहाँ पे इस साइड में आप जैसे यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, ऐसे क्लिक करेंगे तो 3 डॉट दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे साइड में क्वालिटी चेंज करने के लिए आएगा। तो आप 480 या 360 की क्वालिटी कर सकते हैं, जब आपको क्लियर दिखेगा वीडियो, ठीक है? तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको क्वालिटी चेंज करनी है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है क्लास, तो यहाँ पे जाइए, क्लिक करिए और अपनी क्वालिटी जो है उसको चेक कर लीजिए कि इतनी है या नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है यहाँ पे, ये हमने देखा राम सहाय दास जो है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, रीतिमुक्त कवि हैं, तो यहाँ पे देखिए देव हैं, सेनापति हैं, पद्माकर हैं, ये तीनों ही रीतिवध हैं और आलम रीति मुक्त कवि हैं। नेक्स्ट है भारती भूषण, भारती भूषण के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गिरधर दास। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतकाल में ऋतुवर्णन करने वाले रचनाकार हैं, तो वह हैं सेनापति। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल हारे कोकिल बुलाए हारे केकीगन, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द्विज देव। नेक्स्ट प्रश्न है, भूले भूले भौर वन भावरे भरेंगे चहु, फूल फूले किंचुक जगे से रह जाएंगे, तो पंक्ति के रचनाकार कौन है? 62 तो द्विज देव है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्ल कथन किस रचना के लिए है? शुक्ल का यह कथन किस रचना के लिए है? कहीं कहीं फारसी का प्रभाव जो है रस भाव के रूप में मिलता है। तो 63 नंबर जो प्रश्न है, इसमें आलम के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? तो 64 नंबर ए जसवंत सिंह। फिर आता है आपका क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन, सही कालक्रम क्या है? तो 65 नंबर ए ऑप्शन केशवदास, फिर मतिराम, रसलीन और पद्माकर। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल में नरसिक वर्णन करने वाले रचनाकार नहीं है, तो नहीं है इसमें 66 नंबर, तो ये मतिराम है जिन्होंने नहीं किया है नरसिक वर्णन, बाकी तीनों ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रसनिधि का वास्तविक नाम है, तो वह है पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप में बिहारी ससई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, कथन किसका है? 68 नंबर, तो यह है ग्रियर्शन का, और ये क्वेश्चन भी अभी जल्द ही एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी के गुरु थे, तो बिहारी के पिता जो थे केशव राय थे और गुरु जो थे नरहरि दास थे, और 1595 जो है इनका जन्म समय है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 17,
सॉरी 70, तो डी घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहित मेरे कवित्व बनावत, तो यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर वी ऑप्शन घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरहवारी इश्कनामा के रचनाकार कौन है, तो 72 राइट आंसर हो जाएगा बोधा, अगर इश्कलता होता तो घनानंद होता। नेक्स्ट है, बामन ने रीत को क्या कहा है, 73, तो वामन जो है इन्होंने रीति को मार्ग कहा है। नेक्स्ट है प्रश्न, केशव को कब हृदय नहीं मिला था, कथन है या कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट प्रश्न है, केशव केसन अस्करी वैरह जश्न करही, तो ये पंक्ति जो है किसकी है पूछा गया है, यहाँ पे ये पंक्ति जो है केशवदास जी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रोण पर्व के रचनाकार कौन है, तो बी ऑप्शन कुलपति मिश्र। नेक्स्ट है, रीति की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है, तो शुक्ल जी ने मानी है चिंतामणि से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में रीति काल की विशेषता नहीं है, रीतिवद्धता रीति मुक्तता अवधि का प्रयोग व्रज व फांसी का प्रयोग, तो अवधि का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें व्रज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण की कविता का प्रधान रस है, तो प्रशस्ति परक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भय सुकवन के सरदार, तो प्रश्न नंबर 80 राइट आंसर हो जाएगा सी भिखारीदास। नेक्स्ट प्रश्न है, रीति वद कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि, 81 नंबर डी, वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधम व्यंजना रसविरस उल्टी कहत नवीन या पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो वह है देव। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कविताएं इतनी प्रसिद्ध हैं उनके संबंध में यहाँ यह कहना है कि वे कितनी ओजस्वी और वीरपूर्ण हैं, पृष्ठ प्रेषण मात्र होगा, कथन किससे संबंधित है, तो 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भूषण। नेक्स्ट प्रश्न है, आलोचकों ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, तो केशवदास को कहा है। नेक्स्ट है, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या क्या है, तो 85 नंबर 105। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है, तो 86 नंबर डी सेनापति। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी किस धारा के कवि हैं, तो बिहारी जो हैं रीति सिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इश्कलता के रचनाकार कौन है, तो इश्कनामा जो है बोधा की है और इश्कलता जो है घनानंद की है। नेक्स्ट है, कविप्रिया किसकी रचना है, तो केशवदास की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है, कथन किसका है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 90 का सी शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन दिया है। 91 का है, शुक्ल जी ने पद्माकर की तुलना भक्ति काल के किस कवि से की है, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा वी तुलसीदास। नेक्स्ट है, कारी कोर कोकिला काहे को वेर काढ़तरी, तो पंक्ति के रचनाकार हैं कौन, 92 नंबर, तो डी हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी काव्य अपूर्ण प्रवणता को पहुंच गया था, शुक्ल का कथन रीतकाल के किस प्रकरण में दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 93 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकरण नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्ल ने रीतकाल को कितने प्रकरण में बांटा है, 94 नंबर, तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य की कोटि में नहीं आते हैं, तो 95 नंबर वी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट प्रश्न है, 96 काव्य की रीति सिखी सुकून सो पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो 96 नंबर डी भिखारीदास। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंतामणि की रचना है, तो कौन सी है चिंतामणि की रचना, 97 नंबर, तो वी कविकुल कल्पतरु। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है, तो 98 नंबर काव्यांग विवेचन। नेक्स्ट है प्रश्न, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो वह होंगे, चार ऑप्शन दिए गए हैं, सी भिखारीदास। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है,
काव्यांगों का विस्तृत समावेश दासी ने अपने काव्य निर्णय में किया है। कथन है किसका? काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो ये आज के 100 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे आपको सॉल्व कराए हैं। नेक्स्ट मैं आपको सभी विधाओं से और सभी इकाई से प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगी। आप लोग बस इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। जितना ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, उतना ही अच्छा वर्क हम आप लोगों के लिए करते रहेंगे। और जितना ज़्यादा आप लोग को सपोर्ट करेंगे तो मैं नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगी और सभी विधाएं जो हैं उनको डिटेल से बताऊंगी। बस आप लोग जो है इन्हीं जो है लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, ओके। साथ ही आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको सारा मटेरियल फ्री में उपलब्ध होता है, पीडीएफ वगैरह, ओके। तो फिर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, कितना स्कोर किया आपने, वैसा ही मैं नेक्स्ट क्लास बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ओके। धन्यवाद।